Hello everyone, welcome back to my channel. I am your legal friend and guide, Ms. Divya Ojha. आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन करती हूँ. आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार. आप जानते हैं आज एक ऐसा समय आ गया है जब हमें एकजुट होने की बहुत जरूरत है और हम एकजुट हुए भी हैं क्योंकि हम दिल से कभी अलग नहीं थे. जनता कर्फ्यू ये मुहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की आज के लिए ताकि हम कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर सकें. तो इस उम्मीद के साथ कि हम सभी इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, इस सराहनीय कदम को सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, एक अपील मैं आपसे और करूंगी इस उम्मीद के साथ कि आप डेफिनेटली मेरी बात मानेंगे, समझेंगे और इसका मान रखेंगे. तो चूंकि आप सब आइसोलेटेड हैं अपने घर में, मैं भी आइसोलेटेड हूँ, इसलिए मुझे लगा चंद बातें अपनों के साथ, अपनों के लिए, देश के हित में, राष्ट्र के हित में. 5 बजे भूलिएगा नहीं. अगर आपके घर में घंटी कहीं मंदिर की जगह कहीं और रखी है, आपने कहीं अंदर पैक कर दी है, अगर शंख कहीं आपने बंद करके संभाल के रख दिया है, तो प्लीज उसे बाहर निकालिए क्योंकि 5 बजे हमें उसे बजाना है. और अगर आपके घर में शंख नहीं है, घंटी नहीं है, जो कि सोचना ही बेकार है क्योंकि हम भारतीय हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, तो कोई इम्पॉसिबल सी भी बात नहीं है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है. बहुत बार ऐसा होता है हम मन में आस्था रखते हैं, भाव रखते हैं, तो हम इन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नई गृहस्थी बसाई होगी, नहीं हुआ उनके पास, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. एक प्लेट और चम्मच प्लीज आपके घर में जरूर होगा, स्टील का. और ये तो गांव से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ है. इवन आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी ये बहुत देखा होगा, जब कभी खुशखबरी होती है तो हम प्लेट, चम्मच या थाली को चम्मच से बजाकर लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं. तो निकाल लीजिए अपने घर की स्टील की प्लेट और चम्मच और तैयार हो जाइए 5 बजे अपनी सोसाइटी में उसे बजाने के लिए, क्योंकि उसके नाद से, उसकी ध्वनि से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा. ऐसा वैज्ञानिकों के शोध में सामने आया है, ऐसा बहुत सारे रिसर्च में सामने आया है. एंड मोर ओवर आपको ओम की शक्ति के बारे में बताने की तो जरूरत ही नहीं है. ओम आदिशक्ति, महादेव, शिव, शंकर, बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ. तो ओम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ओम की ध्वनि में, ओम के साउंड में कितनी पावर है, कितनी ताकत है. अगर आप ये भी नहीं कर सकते, देन प्लीज जहां पर भी, जिस स्थान पर भी आप रह रहे हैं, जहां बैठे हैं, वहां पर ओम चैंटिंग जरूर कीजिए, ओम की ध्वनि जरूर निकालिए. और कुछ नहीं तो जब प्लास्टिक बैग्स बंद हुए तो बहुत सारे लोगों ने उसके पहले स्टील के चम्मच और बर्तनों को टाटा बाय बाय कर दिया था. उसके बाद जब प्लास्टिक बैग्स बंद हुए, प्लास्टिक की प्लेट्स बंद हुई, स्पून बंद हुए, देन हम वापस से स्टील और चम्मच से जुड़ गए. इसलिए क्योंकि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. तो कांच के बर्तन तो आप यूज करते होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके घर में स्टील का एक प्लेट और एक चम्मच तो कहीं ना कहीं किसी कोने में आप खोजेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा. तो प्लीज जो मुहिम हम आज सक्सेसफुल बना रहे हैं, हम अपनी सहभागिता जिसमें सुनिश्चित कर रहे हैं, उसे और सक्सेसफुल बनाइए. और अभी से लेकर बैठ जाइए, शंख, चम्मच, प्लेट, घंटी और नहीं तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज संगीत में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, फिर वो संगीत क्लासिकल हो या फिर कोई भी हो. सो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, मेरे खुद के हित में, आप सभी के हित में मेरी एक ही अपील आप सबसे और है, 5 बजे के लिए तैयार हो जाइए. और इसको भी सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लीज बी यूनाइट. जिन लोगों को आपके आसपास नहीं पता या जो किसी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोर ओवर जिन्हें थोड़ी शर्म आ रही होगी कि अरे ये कैसे करेंगे, तो उन्हें समझाइए, जान है तो जहान है. अगर आप रहेंगे ही नहीं तो इस शर्म का या इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. सो आई विल मीट विथ ऑल ऑफ यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बट नाउ हमारी जिम्मेदारी है इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाना, कोरोना वायरस को दूर भगाना. तीसरा वीडियो मेरा होगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 Part 3, देखना मत भूलिएगा. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपके लिए किसी भी रूप में वर्थ है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बी सेफ, स्टे सेफ, मेक अदर्स अवेयर, स्टे हेल्दी.
Goodbye.